आखिर पेंसिल के ऊपर ये ब्लैक पार्ट क्यों बनाया जाता है? और एक ऐसा ऑक्टोपस जो किसी का फ्यूचर बता सकता है, इसके साथ ही एक ऐसा पक्षी जो किसी छोटी बच्ची की तरह रोता है। छोटी बच्ची हो क्या? इसके अलावा स्टंप पर लगने वाली इन बेल्स का प्राइस कितना होता है? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहना वीडियो के अंत तक। नंबर 1, 1910 में यूएस में एक ऐसा बास्केटबॉल गेम खेला जाता था कि अगर वे एक भी मैच हारते तो उनको फांसी लगा दी जाती थी। 1910 में यूएस ने एक ऐसी बास्केटबॉल टीम बनाई थी जो कि डेथ रो में चल रहे प्रिजनर्स यानी कि कैदियों की थी, और उन सभी को जल्द ही फांसी लगने वाली थी। लेकिन उनकी फांसी की जो डेट थी वो लगातार बढ़ती जाती थी क्योंकि वे इतना अच्छा खेलते थे, और अगर वे एक भी मैच गलती से भी हार जाते तो उनका दी एंड होना लगभग तय था। नंबर 2, क्या आप एक ऐसे सेंटेंस के बारे में बता सकते हैं जिसमें ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाबेट प्रेजेंट हो? अगर नहीं तो इसे पढ़ो। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। अगर आपको यकीन नहीं हुआ हो तो आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। नंबर 3, जो लोग दोपहर में सोते हैं वो ज्यादा क्रिएटिव और फोकस होते हैं, इसके साथ ही उनको हार्ट अटैक आने की संभावनाएं भी काफी कम होती हैं। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट स्टंप के ऊपर जिन ग्लोइंग बेल्स का इस्तेमाल किया जाता है उनका प्राइस कितना होता है? आपको इस बात पर यकीन हो या फिर ना हो, लेकिन इन बेल्स की कीमत 28 लाख रुपए तक होती है। नंबर 5, क्या आप एक ऐसे देश के बारे में बता सकते हैं जिसका खुद का नेशनल एंथम तो है लेकिन उस एंथम के कोई लिरिक्स यानी कि शब्द नहीं है, यानी कि उनके राष्ट्रगान में सुर तो है पर कोई बोल ही नहीं है? तो स्पेन ही वो देश है जिनके राष्ट्रगान में सुर तो है पर बोल नहीं। नंबर 6, आपने कभी न कभी वेंडिंग मशीन तो देखी ही होगी जो कि कोल्ड ड्रिंक या फिर स्नैक्स के लिए होती है, लेकिन जापान में वेंडिंग मशीन इतनी ज्यादा कॉमन है कि यहाँ पर लोगों को वेंडिंग मशीन से लगभग सब कुछ मिल सकता है। यहाँ तक कि जापान के लोग कंप्यूटर के सीपीयू भी वेंडिंग मशीन से खरीदते हैं जो कि लाखों रुपए तक आते हैं। इसके साथ ही जापान की कुछ जगहों पर आप वेंडिंग मशीन से पेट्स तक खरीद सकते हैं। नंबर 7, आपने 2008 में रिलीज हुई गजनी मूवी को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मूवी हॉलीवुड की मेमेंटो मूवी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है? अच्छा, आप जरा इस पोस्टर को देखिए, इसमें से एक है हॉलीवुड की मेमेंटो मूवी जो कि 2001 में रिलीज हुई थी, और ये गजनी मूवी 2008 में। मेमेंटो मूवी में भी एक आदमी जो कि अपनी याददाश्त भूल चुका होता है वो अपने वाइफ के मर्डरर को खोजता रहता है, और इसी चीज को याद रखने के लिए वो अपनी बॉडी में टैटू बनवाता है और बहुत सारे नोट्स भी तैयार करता है, जिससे हमें मालूम होता है कि इन दोनों मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा सिमिलर है। नंबर 8, साल 2009 में पेप्सी द्वारा किए गए एक एड में यह दिखाया जाता है कि एक बच्चा वेंडिंग मशीन के पास पेप्सी लेने आता है, लेकिन छोटे होने की वजह से उसका हाथ पेप्सी तक नहीं पहुंचता। तो फिर वो बच्चा वेंडिंग मशीन में पैसे डालता है, कोका कोला निकालता है और उसे अपने पैरों के नीचे रखकर पेप्सी के रैक तक पहुंचता है, और फिर बिना कोका कोला उठाए पेप्सी को निकालकर वहां से लेकर चला जाता है। तो इस एड से पेप्सी ने कोका कोला को यह बताया कि एक बच्चा भी पेप्सी का ही दीवाना है, उसने तुम्हें खरीदा तो जरूर लेकिन सिर्फ अपने पैरों के नीचे रखने के लिए। तो इस एड के बाद कोका कोला वाले कहां चुप रहने वाले थे, तो उन्होंने भी एक ऐसा एड बना दिया जिसमें एक बच्चा आता है, पेप्सी निकालता है और उन्हें अपने पैरों के नीचे रखकर कोका कोला निकालता है, लेकिन यहां पर वो बच्चा कोका कोला को वहाँ से ले जाने से पहले पेप्सी को उठाकर उसी फ्रिज में दोबारा रख देता है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने कोका कोला को बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया और पेप्सी को हेट। नंबर 9, साल 2010 में जब फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा था उस समय एक ऑक्टोपस जिसका नाम था पॉल, वो हर फुटबॉल मैच से पहले ही बता देता था कि आज किसकी जीत होने वाली है। तो मैच के शुरू होने से पहले उस ऑक्टोपस के पास दो बॉक्स रख दिए जाते थे जिसमें उन दोनों कंट्री का फ्लैग होता था जिनके बीच मैच होने वाला है, और उन दो बॉक्सेस में जिस बॉक्स का खाना वो ऑक्टोपस खाता था उस दिन उसी कंट्री की जीत होती थी। नंबर 10, आपने कभी कभी पेंसिल के ऊपर स्कारलेट डिप को तो जरूर नोटिस किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका आखिर काम क्या होता है? ये स्पेशली प्रोडक्ट के डिजाइन और ब्रांडिंग को बताता है। जैसे कि अगर मैं रेड और ब्लैक की बात करूँ तो आपके मन में नटराज का नाम आएगा, और अगर मैं ब्लू और सिल्वर की बात करूँ तो आपके मन में अप्सरा का नाम सामने आएगा। ठीक वैसे ही यह पेंसिल को उसकी पहचान दिलाती है। इसके साथ ही जब पेंसिल इस लाइन तक पहुँच जाती है तो बच्चों को लगता है कि पेंसिल अब खत्म हो चुकी है और वो नई पेंसिल खरीद लाते हैं, जो कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। नंबर 11, आपने आज तक बहुत सारे पक्षियों की आवाजें सुनी होंगी, लेकिन जरा इस पक्षी की आवाज़ सुनिए, ये छोटे बच्चे की तरह रोता है। ये बर्ड ज्यादातर रसिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और इस पक्षी का नाम है लार बर्ड।